नमस्कार, आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर की ऑनलाइन कक्षा में सभी भैया बहनों का स्वागत अभिनंदन। आज हम कक्षा चतुर्थी विषय संस्कृत पंचम पाठ का अंतिम कालांश का अभ्यास करेंगे। अंतिम हमारे पाठ्यक्रम है, इसके अंदर खाली जगह के रूप में हम कुछ शब्दों का निर्माण करने जा रहे हैं, वो हम आज इस पाठ के अंदर पढ़ेंगे। इस पाठ के अंदर पहले भी आपको बताया है पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसी के साथ में हम ऐसे कुछ शब्द लेते हैं जिसके माध्यम से हमको पंचमी विभक्ति के शब्दों की एक पहचान होती है, जैसे वृक्षात, पर्वतात, मंदिरात। इस प्रकार के कुछ शब्द हैं जिसके माध्यम से हमको पंचमी विभक्ति का जो प्रयोग होता है उसकी भी जानकारी होती है। दूसरी एक इसमें और जानकारी है कि पंचमी विभक्ति में जो शब्द बनते हैं, तो यहाँ पर एक नई चीज दिखाई हुई है कि शब्दों के पीछे, यानी कि कोई शब्द है उसके पीछे त विसर्ग लगा करके जोड़ते हैं तो भी पंचमी विभक्ति का निर्माण होता है। जैसे इससे पहले हमने एक खाली जगह पढ़ी थी जिसमें लिखा हुआ था दिल्ली, कानपुर, पाटलिपुत्रम, कलकत्ता, भुवनेश्वर नगरम और भागी नगरम। इन सभी शब्दों के पीछे हमने त लगा करके भी पंचमी विभक्ति के शब्दों का निर्माण किया था, जिससे इस प्रकार से शब्द प्रवर्तित हुए, दिल्ली का दिल्ली तह, कानपुरम का कानपुर तह, पाटलिपुत्र का पाटलिपुत्र तह, कलकत्ता का कलकत्ता तह, भुवनेश्वरम नगरम का भुवनेश्वरातः, भाग्य नगरम का भाग्य नगरातः। इस प्रकार से पंचमी विभक्ति का हमने प्रयोग किया था। दूसरी बात हमको ये याद रखनी है, जिस स्थान से जो अलग होता है, जिस स्थान से अलग होता है उस स्थान के अंदर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। आज हम एक खाली जगह के रूप में एक दिन भर की कोई दिनचर्या है उसके माध्यम से पंचमी विभक्ति का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है उसका हम प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले लिखा हुआ इसके अंदर श्रीधर गृहतः मंदिरम गच्छति, यानी कि श्रीधर मंदिर घर से मंदिर गया। तो गृहतः, ये गृहत से घर से अलग हुआ तो गृहतः। फिर लिखा हुआ है श्रीधर मंदिर तह विद्यालय गच्छति, यहाँ पर मंदिर से अलग हुआ इसलिए मंदिर के अंदर पंचमी विभक्ति के रूप में आ गया मंदिर तह। श्रीधर मंदिर तह विद्यालय गच्छति। अगला तीसरा वाक्य है श्रीधर विद्यालयात कार्यालय गच्छति, यानी कि यहाँ पर विद्यालय से अलग हुआ इसलिए विद्यालय शब्द अलग हुआ, तो पंचमी विभक्ति है विद्यालयात। श्रीधर विद्यालयात कार्यालय गच्छति। उसकी प्रकार अगला चौथा शब्द लिखा हुआ है, चौथा वाक्य लिखा हुआ श्रीधर कार्यालयात आपणः गच्छति, यानी कि कार्यालय से बाजार गया, तो कार्यालय शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, तो जिससे बन गया कार्यालयात श्रीधर कार्यालयात आपणः गच्छति। उसके बाद पांचवा वाक्य है श्रीधर आपणात वित्तकोषः गच्छति, यानी कि बाजार से अलग हुआ इसलिए आपणात शब्द आ गया, तो श्रीधर आपणात वित्तकोषः गच्छति, यानी कि बाजार से वित्तकोष गया यानी बैंक गया। फिर अंतिम वाक्य है आपके श्रीधर वित्तकोषात गृहम गच्छति, यानी कि अब बैंक से अलग हुआ और घर चला गया वापस, इसलिए बैंक शब्द के अंदर विश्व वित्त कोषात। इस प्रकार की पंचमी विभक्ति के नए शब्दों का भी यहाँ हमने एक निर्माण किस प्रकार से किया जाता है यह हमने सीखा। तो ध्यान रखना ये योग की बात ये है कि जहाँ से हम अलग हो रहे हैं उसके अंदर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इस खाली जगह माध्यम हम ऐसा सीखने का प्रयास करेंगे। वंदे मातरम।